दिस इज मी मुदिता एंड आई एम हेयर टू डिस्कस द वर्कशीट नंबर 65 ऑफ क्लास टेंथ दिस इज सोशल स्टडीज वर्कशीट बच्चों आपको पता है कि ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज़ में आपका राजनीतिक विज्ञान की रिवीजन है यानी कि पॉलिटिकल साइंस जिस तरीके से आपको सोशल स्टडी में हिस्ट्री की रिवीजन कराई गई ज्योग्राफी की वैसे ही पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन कराई जा रही है वर्कशीट 65 में इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने चैप्टर पढ़ा था आपको रिकॉल होगा कि वर्कशीट से हमने ये चैप्टर किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी की रिवीजन कराई जा रही है रिवीजन आपको थ्री कैटेगरी में कराई जाती है तीन तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ए पार्ट में वन मार्क क्वेश्चन बी करेंगे इसमें हम टू मार्क क्वेश्चन और सी पार्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन और थ्री मार्क और फोर मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन मार्क में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिलअप रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट करने का और वन लाइनर आंसर ये सारे टेन क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे तो आज आपको टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं टेन क्वेश्चन में आपके फाइव क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिक द करेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है बाकी सिक्स टू टेन जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर आंसर है मतलब उसका आपको आंसर देना है तो जो टिक द करेक्ट है वो तो मैं आपको यहीं पे टिक करा दूंगी जो आंसर वाले हैं उसका मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं पहले मैं आपको एक बार इस पूरे आपका जो पेपर आया है इसका समरी दिखा दूँ इस तरीके से देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन है इसके आपको आंसर लिखने पड़ेंगे तो ये मैं आपको आंसर लिख के दूँगी क्वेश्चन फाइव में एक इमेज आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन फोर असर्शन एंड रीजन वाला है और क्वेश्चन वन टू थ्री आपका टिक द करेक्ट एंड करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट वाला है चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एट वट लेवल इन द इंडियन इलेक्शन आर फॉर जनरली विदाउट पॉलिटिकल पार्टी भारत में किस लेवल पे बिना पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन होते हैं और आपको ऑप्शन दिया है ए एट लोकसभा लेवल ऑप्शन टू एट राज्यसभा लेवल ऑप्शन थ्री एट असेंबली लेवल एंड ऑप्शन फोर एट पंचायत लेवल तो देखिए आपका जो ये लोकसभा और राज्यसभा ये तो सेंट्रल लेवल पे होता है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता असेंबली यानी जो आपके स्टेट इलेक्शन होते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इज़ द करेक्ट एट पंचायत पंचायत लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है क्वेश्चन टू में आपको एक फिलअप दिया हुआ है डैश इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का इलेक्शन सिंबल क्या है आप सभी जानते हैं क्या है लोटस है सो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा लोटस एल ओ टी एस लोटस फ्लार एफ एल ओ डब्ल्यू आर तो जो कमल का फूल है यानी लोटस फ्लार है वो हमारा सिंबल है किसका बीजेपी का कांग्रेस का सिंबल क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन थ्री में आपको री राइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज एक फ्रेज अंडरलाइन है ये गलत है इसको करेक्ट करके इस स्टेटमेंट को आपको दोबारा से लिखना है साइकिल इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी तो साइकिल की वजह यहाँ पे क्या आ जाएगा साइकिल इज द रॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा क्लॉक तो आप लिखेंगे साइकिल के बदले क्लॉक इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे साइकिल की जगह पे आप क्या कर लेंगे क्लॉक कर लेंगे इसमें कोई मास्टर साइंस तो है नहीं एज इट इज बस आपको एक सेंटेंस एक वर्ड चेंज करना है क्वेश्चन फोर में आपको बोला है एन असर्शन एंड इट्स रीजन आर गिवन बिलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द राइट आंसर ऑप्शन गिवन बिलो आपको एक असर्शन दिया है एक रीजनिंग दिया है बताना है कि क्या वो रीजनिंग उसका सही कारण है या नहीं है लेक लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस इज़ द थ्रेड फॉर डेमोक्रेसी मतलब चॉइसिस ना होना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है रीजन दिया है डेंस्ट्रिक समोशन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस यानी जो वंशवाद है बेटे का बेटा शासन करे ये हमारे मीनिंगफुल चॉइस को विकल्प को कम करता है ये इसका रीज़न दिया हुआ है अब आपको ऑप्शन दिया है ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी में बोला है ए एंड आर करेक्ट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी में बोला है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग और डी में बोला है आर इज करेक्ट बट ए इज़ रॉन्ग सो इसका आंसर क्या है इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है देखिए अगर आप एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो यू हैव अ मोर चॉइस आपके पास स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट होती हैं आइसक्रीम्स आपको जो पसंद होगी आप वो खाएंगे ठीक है तभी तो आपको पार्टी का मज़ा आएगा लेकिन अगर आप ऐसी शॉप पर जाएँ जहाँ पर बोले कि सिर्फ वनीला ही मिलेगी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जितने लोग जाएंगे सिर्फ वनीला ही खाएंगे तो उसमें क्या मजा आएगा नहीं तो डेमोक्रेसी में भी यही है अगर विकल्प नहीं होंगे चॉइसेस नहीं होंगे आपके पास चॉइसेस होंगे तो आप सोचोगे ये नहीं तो ये बेटर है ये नहीं तो ये बेटर है ठीक है अगर आपके पास चॉइसेस ही ना हो एक ही चॉइस हो तो वो डेमोक्रेसी को वीक करते हैं तो ये फोर क्वेश्चन जो थे इसके आंसर मैंने बता दिए बाकी के हम रिटर्न सोल्यूशन देखेंगे ठीक है इसका आंसर आपका पंचायत था इसका आपका लोटस फ्लावर था ठीक है लोटस फ्लावर इसका आपका क्लॉक है सी एल ओ सी के और फोर्थ में आपका जो ए है वो करेक्ट आंसर है अब आपको एक मैं इमेज दिखाती हूँ क्वेश्चन फाइव में बोला एक्सप्लेन द कार्टून इन योर वर्ड इस कार्टून को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है वन पार्टी कंट्री एक ऐसी पार्टी कंट्री दिखाई है जहाँ पे वन पार्टी कंट्री है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है हाउस दिखाया हुआ है हमारी पार्लियामेंट होती है क्योंकि ये अलग कंट्री का इसलिए यहाँ पे सीनेट दिखाया सीनेट क्या है संसद को कहते हैं हमारे देश में संसद है वैसी किसी और कंट्री का है जहाँ पे इसको सीनेट कहते हैं सीनेट हाउस तो इसको आपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है आगे क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ये मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी उससे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कि टू स्टे से फाइट अगेंस्ट कोविड वियर अ मास्क सो यू कैन वीअर अ मास्क टू फाइट अगेंस्ट कोविड चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं आंसर हो जाएगा दिस कार्टून डिपिक सिंगल पार्टी सिस्टम वेयर देयर इज अ चैलेंज ऑफ लैक ऑफ मीनिंग चॉइस यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम को दिखाया गया है कंट्री भी दिखाई गई है कि जहाँ पे सीनेट है सिंगल पार्टी है इन दिस सिचुएशन पीपल हैव ओनली वन पार्टी इन द इलेक्शन लोगों के पास केवल एक ही पार्टी होगी इलेक्शन में क्वेश्चन सिक्स में बोला है व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी यानी जो रूल करती है द पार्टी विच गेट मेजार्टी इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल रूलिंग पार्टी जैसे कि जब इलेक्शन होता है जिसको मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं वो क्या क्या होती है रूलिंग पार्टी होती है क्वेश्चन सेवन में बोला है विच पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर डेमोक्रेसी नॉट कंसिडर्ड कौन सी अच्छी नहीं होती तो सिंगल पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर डेमोक्रेसी सिंगल पार्टी सिस्टम गुड नहीं होती है क्वेश्चन एट में बोला है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्शन डिफेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ तो इसी पे बना हुआ है दल बदल क्या होता है चेंजिंग और ज्वाइनिंग अदर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन फॉर मनी और अ मिनिस्ट्रियल पोजिशन इज कॉल्ड डिफेक्शन मतलब आपने कोई ए पार्टी ज्वाइन की ठीक है और इलेक्शन के बाद बी या सी में जब आपकी पार्टी जीतती है या हारती है तो पैसे या किसी किसी भी कारण से आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर इलेक्शन तो उसको हम क्या बोलते हैं डिफेक्शन या दल बदल बोलते हैं विच नेशनल विच कॉयलेशन इज इन पावर एट सेंट्रल लेवल सेंट्रल लेवल पे कौन सा कॉयलेशन है तो एनडीए दैट मीन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा सेंट्रल लेवल पे है क्वेश्चन टेन में बोला है विच पार्टी इज इन पावर इन दिल्ली एट प्रेजेंट दिल्ली में प्रेजेंटली कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है तो एज प्रेजेंट आम आदमी पार्टी इज़ इन पावर इन दिल्ली ये आप सभी जानते हैं दो बार से हमारी आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की प्रेजेंट रूलिंग पार्टी चल रही है तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीन भी ले सकते हैं या फिर मैं इन आंसर्स को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मुदिता आई एस वॉरियर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन एक जगह पर पा सकते हैं वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे इसके अलावा हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड किया गया उसे देखें सिक्किम प्रोजेक्ट आप मैथ्स में कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको गाइडेंस दी गई है प्रोजेक्ट का कंटेंट भी दिया गया है वो आप बना सकते हैं और उसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास सिक्किम का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पे एक वीडियो डाला गया है वो भी आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें